जय मसीह की प्रियो, स्वागत है आप सबका एसडीएन टीवी पर। मेरे प्रियो, आज हम रोशन भाई के साथ बात करने वाले हैं। रोशन भाई को बोलने में कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया कृपया करके जरा पेशेंस के साथ, जरा धैर्य धारण करके इनकी गवाही सुन लीजिए। ये कुछ बताना चाहते हैं हमें, और पहले भी इन्होंने गवाही दिया है वैसे, लेकिन आज की जो गवाही है इनकी वो कुछ अलग होने वाली है मेरे ख्याल से। और इन्होंने मुझे बताया कुछ भाग, तो मैं विनती करता हूँ आप कृपया करके इनकी जो गवाही है जरा धैर्य धारण करके सुनिए, क्योंकि इनको बोलने में प्रॉब्लम है, बिल्कुल मेरी तरह मुझे भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। तो रोशन भाई, सबसे पहले आपको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जय मसीह की भैया। अच्छा, तो आज आप जो गवाही बताने वाले हैं वो किस विषय में है? मैं प्रभु को प्रभु जब जब प्रभु यीशु मसीह जब आता है ना, बाइबल में लिखा है, और वैसी है, हम लोगों को लेगेंगे करके ना, ऐसा मैंने इसी विषय में आज गवाही देना चाहता हूँ। अच्छा, आपने कुछ देखा? हाँ अच्छा, चलिए तो पहले एक जगह अच्छे से बैठ जाइए और अपनी गवाही शुरू कीजिए। बताइए हुआ क्या वैसे? ठीक भैया, जब मैं अपने चर्च में उपास प्रार्थना को गया था तो ना, एक एक प्रभु का नाम का महिमा महिमा गीत गा रहे थे, तो ना एक गाना है कि ना आसमां के पार जाएंगे, मेरा मेरा यीशु रहता वहां करके ना, ऐसा ऐसा गाना है ना, वो गा रहे तो ना, प्रभु प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया कि ना, जैसे कि प्रभु हम लोगों को ना, अब हम लोगों को जिसका जीवन खराई से है ना, खराई से चलते हैं, उन लोग ना प्रभु के साथ जा रहे हैं, है ना, प्रभु के साथ उठाए 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 जा रहे हैं, है ना। जी, तो ना जैसे कि जिसका जिसका जीवन खराई से है, प्रभु उन लोगों को लेगेगा, है ना। लेके जाएगा। तो ना मैं देखा कि ना, हाँ देखा कि मेरा प्रभु 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 यीशु मसीह मेरा ना आगे है, मेरा प्रभु 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 यीशु मसीह का मैं पीछा हूँ, पीछे है ना। रोशन भाई, रोशन तो भाई, ना देखा, हाँ भैया, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब आपने जो देखा वो मतलब वो किस तरह का था? वो क्या कोई सपना था? मतलब आप सपना देख रहे थे, या मतलब आपकी आंखें खुली थी या बंद थी, सपना देखा या किस, मतलब वो दर्शन था या क्या था वो? जरा इस बात को जरा डिटेल्स में एक बार बताएंगे। दर्शन है भैया कि ना, हम लोग ना अब शुक्रवार को ना 12 बजे 12 बजे हम लोगों को ना उपास प्रार्थना अपने चर्च में चालू 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 होता है ना। जी तो जी ना वैसे ही ना मैं गया था, तो ना हम लोग प्रभु यीशु मसीह महिमा कर रहे हैं कि आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां करके ना, ऐसे ऐसे हम लोग प्रभु का नाम का महिमा कर रहे हैं। तो ना प्रभु ने मुझे ना दर्शन दिखाया कि ना मैं प्रभु 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 यीशु मसीह का मैं पीछा पीछे पीछा खड़ा हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा आगे आगे खड़ा है करके, है ना। जी, ये जो तो ना प्रभु एक बात बोलता हूँ, ये जो मतलब आपने जो दर्शन देखा वो सपना तो नहीं था, आप सोए नहीं थे ना, खुली आंखों से, मतलब आप जगे हुए थे। अच्छा हाँ अच्छा हाँ जी भैया जी, अच्छा आगे आगे क्या हुआ? और आराधना कर रहे हैं तो ना प्रभु जय जब ना हम लोगों को लेग रहे हैं कि ना, जब प्रभु प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में
आ रहे हैं ना बादलों में, तो ना जिसका जो ना संसार के लोग ना देख रहे हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं कि देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जो दुल्हा है हमको ले जा रहा है करके ना उन लोगों को ना बोल रहे हैं, है ना। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, है ना, छत्तीसगढ़ की भाषा में ना बात करते जा रहे हैं। जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ का जो 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 भाषा है वही वही से ना अब बोलते बोलते जा रहे हैं ऐसा। अच्छा। और ना भैया की ना और ना जिसका है ना प्रभु यीशु मसीह में ना जिसका जीवन खराई से नहीं है, इधर इधर उधर के बातों में इंसान लगा हुआ रहता है और पापों में पड़ा हुआ है, ऐसा ना उन लोगों को ना इस धरती में छोड़ रहे हैं, क्योंकि ना तुम मेरा कीमत को नहीं जानते, है ना, मेरा खून को बहाया, मेरे तुम्हारे लिए मार खाया, किला खाया, तुम इस कीमत को तुम नहीं जानते करके ना उन लोग धरती में ना छोड़ दिए। जब ना अब जब सताव होगा, 7 साल का क्लेश आएगा, तब तुझको मैं मुकुट दूंगा करके। और ना मतलब जो लोग खराई से एक मिनट, यानी जो लोग खराई से नहीं जिएंगे उनको पृथ्वी में ही छोड़ा जाएगा, ऐसा। ये तो बाइबल में भी लिखा है ना, मतलब बहुत से लोग जो, यानी एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हम देखते हैं कि कई विश्वासी लोग ये प्रचार करते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें एक बात ये है कि उस विश्वासी का क्या होगा जो खराई से नहीं जी रहा है, वो तो इधर ही छोड़ा जाएगा और उसको वो जो क्लेश होगा वो क्लेश सहना पड़ेगा। जी, प्रभु ने आपको जो दिखाया ना मेरे भाई, हाँ, ये बिल्कुल सच दिखाया है। लेकिन कई विश्वासी कहते हैं ना कि हाँ, हम जब प्रभु आएगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, वो तो सारे स्वर्ग जाएंगे जो कहते हैं, जो ऐसा प्रचार करते हैं ना, वो बिल्कुल गलत शिक्षा है। बहुत लोग पृथ्वी में छूटने वाले हैं। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, या कोई और बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं ना। लेकिन जब तक हम खराई से नहीं जिएंगे तो हमारा ऊपर जाना मुश्किल है, लेकिन जो लोग छोड़े जाएंगे जी उनको भी मौका तो मिलेगा ही ना, जी प्रभु में ना खराई से जीने के लिए। हाँ, मिलेगा ना। हाँ, मिलेगा। हाँ, जी, जी। खराई से मतलब ना प्रभु यीशु मसीह का जो हम लोगों का अपने पापों से अपने लहू से खरीदा है ना, उसका जो कीमत है ना भैया, है ना, उसका जो कीमत है वो जान सके करके ना 7 साल के क्लेश के दौरान उसको ना सहना पड़ेगा ऐसा। और ना भैया मैं दर्शन देखा कि ना पास्टर लोग बता रहे थे कि ना जो ना संसार के लोग हैं, है ना, जिसका जीवन पवित्रता से चल रहा है, है ना, है ना, जैसे कि संसार में संसार के लोग बहुत सा देवी देवता का पूजा करते हैं, तभी से उन लोगों का विश्वास, हम लोगों का विश्वास जो रहता है ना भैया मसीहत जिंदगी का, है ना, उससे ज्यादा रहता है, है ना। उदाहरण है कि ना जब ना संसार के जो लोग है ना, हम लोग कहीं प्रभु का वचन का जो पर्ची रहता है ना भैया, हाँ, हम लोगों ना उस इंसान को
वचन को बताए हैं, है ना, किसी कारणवश से ना वो मान नहीं पाया है, है ना जी। तो ना प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं ना, वो लोग ना उस समय ना हम लोग विश्वास बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बीच में आएंगे करके भैया, है ना जी। तो ना उन लोग ना घुटना घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, प्रभु दया कर हमसे गलती हो गया है करके, ऐसा ना करके ना उन लोग ना कुछ लोग जिसका जीवन पवित्रता से है, है ना, प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है, उन लोग भी ना उठाए जा रहे हैं, ऐसा मैंने देखा। अब पास्टर लोग बोलते हैं कि ना तैयार होना पड़ेगा, यानी एक बात सॉरी आपने कहा जो मतलब जिसने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया वो भी उठाए जाएंगे क्या, मतलब ना उस समय ना जो ना संसार के लोग है, है ना, हम लोग कहीं पे प्रभु का वचन प्रचार करने जाते हैं, कहीं परमेश्वर का वचन का पर्ची बांटने जाते हैं, है ना, और उस वक्त ना विश्वास नहीं किया, है ना, जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं देख रहे हैं ना, उन लोग भी उठाए जा रहे हैं, मतलब ना विश्वास कर रहा है ना। जब चोर बोला, पहला चोर बोला कि ना तुम परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, इस दुख से तुम चाहते हो तो इस दुख से तुम हमको 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 आजाद आजाद दे सकते, मतलब कि क्रूस पर टांगा गया है, है ना, टांगा गया, तुम हमको निकाल सकते हो करके ना वो बोल रहे। दूसरा चोर बोला कि ना तुम परम प्रधान परमेश्वर के सामने ऐसा करके ना डांटा गया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो करके, है ना, उन लोग ना वो बोला दूसरा चोर कि ना मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ नहीं करके, है ना, मुझे बोला, मुझे मुझे तुम, मुझे याद करना बोला तुम, हाँ तो ना जो है ना ऐसा दर्शन देखा मैंने। अच्छा, हाँ ये बात सच है, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग जो पृथ्वी में होंगे ना उनको भी मौका दिया जाएगा सुधरने का, और लास्ट तक अंतिम तक परमेश्वर इंसान को यानी इंसान जाति को अंतिम तक मौका देगा उसको विश्वास करने का। तो जब यीशु मसीह आएगा तो कई लोग उसको देख देख कर विश्वास करेंगे ना, तो वो लोग भी स्वर्ग में उठाए जाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो यीशु मसीह को देखने के बाद भी उसको परमेश्वर नहीं मानेंगे, उसके साथ लड़ेंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे। लेकिन वो लोग कहाँ जाने वाले हैं वो तो परमेश्वर ही जानता है ना, और हम भी जानते हैं जी। बाइबल में लिखा ही है और तो यही दर्शन देखा आपने, तो ये दर्शन देखा तो बहुत, ये आपने खुली आंखों से देखा यानी आप जगे हुए थे, जगा था ना कि ना जैसे कि प्रार्थना करते हैं थोड़ा बहुत झपकी 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 लेते हैं ना, वैसे नहीं होता, जब देखा था है ना प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं उस समय ना मैं बहुत बहुत उत्साहित हो गया था कि ना प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं भी जाऊंगा करके, है ना। मेरा जीवन सही से पवित्रता से मैं चलूंगा तो प्रभु चाल चलन को जानकर मैं चाल चलन को नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह जहां भेजेंगे तो नरक जाएंगे, ऐसा नरक मतलब कि ना प्रभु यीशु मसीह ना आना बहुत निकट है, ऐसा। वो तो है। चलो, अच्छा लगा आपने आपने अपनी गवाही शेयर की हमको। ये जो भी आपने देखा ना वो सब बिल्कुल बाइबल से रिलेटेड है, यानी संबंधित है, और सच में बहुत लोग छोड़े जाएंगे, विश्वासी भी, हाँ विश्वासी भी छोड़े जाएंगे। सारे विश्वासी स्वर्ग नहीं जाने वाले, केवल केवल वही लोग जाएंगे जो खरी रीति से प्रभु के आज्ञा मानता है, सही तरीके से आज्ञा मानता है। और हाँ, ये एक वार्निंग भी हो सकती है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और जितने अभी देख रहे हैं उन सब के लिए ये एक वार्निंग है कि कृपया करके खरी चाल से चलने की कोशिश कीजिए। हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती है, लेकिन फिर भी पश्चाताप कीजिए और प्रभु के राह में चलने की कोशिश करते रहिए। तो रोशन भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये गवाही हमसे बांटी। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ना दी के दादा जो प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना। और आप लोग ना प्रार्थना करना चालू करो, है ना। जो भी पाप किए हैं प्रभु से पश्चाताप की भावना से प्रार्थना करो, क्योंकि ना जो पश्चाताप के भावना से हम लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, और देखो उसने गलती कर मेरे सामने मार रहे करके ना प्रभु यीशु मसीह खुश होता है। आप ये बोल रहे हैं कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो लोग प्रार्थना कीजिए, वो कहना चाहते हैं ना। अच्छा। तो जो दादाजी वाला वीडियो मैंने कल डाला था, अपलोड किया था, उसमें मेरा एक मिस्टेक क्या हो गया कि मैंने तो वो छत्तीसगढ़ भाषा में था तो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। तो उसमें मेरा मिस्टेक ये हुआ कि उन्होंने कहा कि उनको गांव से नहीं निकाला गया था, उनको समाज से निकाला गया था। तो समाज यानी जैसा होता है ना, एक धार्मिक समाज होता है, एक जाति जाति का समाज, तो उनको उस समाज में से निकाला गया था, गांव से नहीं निकाला गया था। तो ये मेरा मिस्टेक हो गया कल वाली वीडियो में। तो लोगों ने वो वीडियो देखा, मैं उनसे विनती करता हूँ इस बात के लिए, मुझे माफ कीजिएगा। ओके, तो रोशन भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी गवाही बांटी हमारे बीच में। प्रभु आपको आशीष दे। और ये जो वार्निंग प्रभु ने आपको दी है, कि बहुत से विश्वासी छूटने वाले हैं, इसीलिए खरी चाल चलने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग भी कीजिए, मैं भी करूंगा। ये केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी रोशन भाई। तो हम सब खरी चाल चलने की कोशिश करेंगे। जी भाई जी। ओके, तो आज के लिए गवाही, छोटी सी गवाही इधर ही रखते हैं। मैं जानता हूँ रोशन भाई बोलने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, लेकिन क्या अगर ये प्रॉब्लम को सुन के आप लोग को बोरिंग लग के आप लोग चले गए वीडियो छोड़ के, तो ये हम इसके पीछे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्रभु आपको आशीष दे। और ये जो मैसेज प्रभु ने रोशन भाई को एक संदेश जो दिया है कि खरी चाल चलिए क्योंकि बहुत से विश्वासी छूटने वाले हैं, तो इस बात के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। तो रोशन भाई, तो आपको बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बाद में, ठीक है, मिलते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। ठीक है भाई, अच्छा लगा ना, ठीक है, धन्यवाद। हाँ ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। हाँ, गॉड ब्लेस यू टू। मिलते हैं भैया, ओके, जय मसीह की, जय मसीह।